नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी टेस्ट बुक के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं, जिसका नाम है जीत संकल्प, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 28 से लेकर के 31 मई तक ये ऑफर रहेगा। टेस्ट बुक का जो ईयरली पास हुआ करता है, इसमें आप लोगों को एक साल के लिए भारत की जितनी भी प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाएं, सारी परीक्षाओं के मॉक टेस्ट मिलते हैं। मॉक टेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसकी संख्या लगभग 80,000 से ज्यादा है। भर्तियां इसमें 800 से ज्यादा कवर की गई हैं और 12 से अधिक भाषाओं में मॉक टेस्ट इसमें आपको मिल जाएंगे। 16 लाख से ज्यादा विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जो इनका स्पेशल पास होता है पास प्रो 699 वाला, उसकी कीमत अब मात्र 263 रुपये कर दी गई है। ये मुझे लगता है अब तक का सबसे कम प्राइस है। और इसमें भी अगर आप एक कोड लगा देंगे TWP तो आप लोगों को 12% की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लोग जाकर के वहां से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले सूचना है RO ARO पेपर लीक की। लिखा है, पेपर लीक में फंसे स्कूल ने नहीं माना आयोग का नियम, कॉलेज की प्रिंसिपल को नोटिस देकर के बयान के लिए बुलाया। नियम ये होता है कि जो केंद्र व्यवस्थापक होगा वो उस विद्यालय का प्रिंसिपल ही होगा जहां पर परीक्षा होगी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी कि प्रयागराज के एक स्कूल है, बिशप जॉनसन इंटर कॉलेज, यहाँ से भी पेपर लीक करवाया गया था। और मैंने अपने चैनल के माध्यम से कई बार इस पर वीडियो बनाए हैं कि इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं होती हैं, विद्यालयों से पेपर लीक किए जाते हैं, विद्यालयों में OMR रंगवाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। और ये केवल RO ARO का मामला नहीं है, इसी तरीके का मामला लेखपाल भर्ती में भी हुआ था। चूंकि वो रद्द नहीं हो पाई, विद्यार्थी उसमें आवाज़ उठा नहीं पाए और उस समय कोई चुनाव नहीं था, इसलिए लेखपाल भर्ती को आगे बढ़ा दिया गया और कुछ नहीं हुआ। अभी भी अगर ये चुनाव नहीं होते तो आपकी ये परीक्षा रद्द नहीं होती, भर्ती की जो प्रक्रिया वो आगे बढ़ जाती। चुनाव की दबाव की वजह से सरकार, जब विद्यार्थी सड़क पर आए तो सरकार ने इसको रद्द कर दिया। लेकिन जब लेखपाल भर्ती वाला मामला निकल करके आया था, जब 5 प्रबंधक विद्यालय के नैनी के बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए थे, रितु सिंह का मामला आपने देखा होगा, उसकी जो पर्ची उसके पास जो मिली थी कक्षा में, वो उसके पूरे पूरे जो आंसर है वो सही थे। और ये बात निकल करके आई थी कि जो कॉलेज प्रबंधक हैं उनकी गिरफ्तारियां भी हुई थी, वो नकल करवाते थे, जो भी जिन विद्यार्थियों का सेंटर उनके विद्यालय में रहता था उनको नकल करवाते थे और वो पेपर भी आउट करते थे। एक कॉलेज प्रबंधक के मोबाइल से पेपर भी मिला था। 15,000 संदिग्ध भी थे लेखपाल भर्ती में, लेकिन सब मामला दफा दफा हो गया, कोई कुछ हुआ नहीं। अगर सरकार उसी समय चेत जाती या जो भर्ती बोर्ड हैं जो भी लोग हैं होशियारी करते कि इन पर लगाम लगाते, इन परीक्षा केंद्र के जो प्रबंधक हैं और प्रिंसिपल हैं, केंद्र व्यवस्थापक हैं, ये क्लास टीचर हैं जो ड्यूटी लगवाते हैं, दूसरे लड़कों की ड्यूटी लगती है क्लास रूम में, जो सॉल्वर की ड्यूटी लगती है। अभी एक नया सिस्टम चला है कि एग्जाम तो कैंडिडेट ही देता है, लेकिन जो सॉल्वर होता है उसकी कक्षा में ड्यूटी लगवा देते हैं, तो वो उसको वहीं पर ड्यूटी करते करते नकल करवा देता है। तो ये सब चीज़ें मुद्दे मैंने कई बार उठाए मेरे चैनल के माध्यम से, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और अंत में ये हुआ कि मामला बढ़ते बढ़ते लेखपाल से लेकर के वो RO में आ गया और वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। और अगर कुछ मैनेज नहीं होता है तो फिर ये दिक्कत आ जाएगी इस स्कूल को। लिखा है कि ये देखिए, पेपर लीक जांच कर रही STF को साक्ष्य मिले हैं कि जिस बिशप जॉनसन इंटर कॉलेज कटरा से पेपर लीक हुआ, वहां पर लोक सेवा आयोग की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। नियमता स्कूल की प्रिंसिपल को केंद्र व्यवस्थापक की जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी और लेकिन उन्होंने दूसरे स्टाफ को यह काम सौंप दिया। इस प्रकरण में STF ने इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल को नोटिस देकर के बयान के लिए बुलाया है। लोक सेवा आयोग की ओर से RO ARO 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 11 फरवरी 2024 को कराई गई थी। पेपर लीक होने पर आयोग के सचिव ने सिविल लाइन्स थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद STF ने पेपर लीक का खुलासा किया। STF ने बिशप जॉनसन गर्ल्स विंग के केंद्र व्यवस्थापक अर्पित विनीत जसवंत और झूंसी के स्कूल प्रबंधक कमलेश कुमार पाल को गिरफ्तार किया था। इन दोनों पर आरोप था कि 11 फरवरी की सुबह स्कूल में पेपर पहुंचते ही अर्पित ने कमलेश पाल की मौजूदगी में एक कमरे में बंडल की शील खोल करके पेपर की फोटो ली और इसे कमलेश पाल ने अपने गैंग के सदस्यों को शेयर किया। जांच में पता चला कि कॉलेज का केंद्र व्यवस्थापक प्रिंसिपल ही हो सकता है। इसके विपरीत बिशप जॉनसन गर्ल्स विंग की प्रिंसिपल ने दूसरे स्टाफ अर्पित विनीत की जिम्मेदारी दे दी। नियम विरुद्ध यह काम उन्होंने क्यों किया, इसका कारण जानने के लिए STF ने स्कूल की प्रिंसिपल को नोटिस जारी किया है। कॉलेज की CCTV फुटेज को STF ने पहले ही सुरक्षित करा दिया था। केंद्र व्यवस्थापक की भूमिका के जांच के बाद इस मामले में विधिक कार्रवाई होगी और यह संवाद लिखी है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की।
लिखा है कि सीधी भर्ती पर ही जोर, प्रमुख परीक्षाओं का अता पता नहीं। ये बात भी मैंने अपने चैनल के माध्यम से कई बार उठाई है कि लोक सेवा आयोग में जो सीधी भर्तियां हैं, लोक सेवा आयोग की रुचि उस पर उन पर ज्यादा रहती है जिस पर केवल इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती की जाती है या स्क्रीनिंग परीक्षा इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती की जाती है। इस प्रकार की भर्तियों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। वो भर्तियां आपको रोज उसकी एक आध नोटिस देखने को मिलेंगी, रोज उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन जो मुख्य परीक्षाएं हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिनमें प्री मेंस वगैरह होता है, ये सब चीजें होती हैं। यहाँ पर देखिए वही बात समाचार पत्र में भी लिखी है, लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से स्थगित की गई सभी प्रमुख परीक्षा के आयोजन को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आयोग इन दिनों केवल सीधी भर्ती करा रहा है, वह भी विशेषज्ञता वाले पदों पर, जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या उतने तो विद्यार्थी नहीं मिल पाते इनको, रेडियोलॉजिस्ट और गायनकोलॉजिस्ट, चिकित्सा अधिकारी के, इस तरीके की बहुत सारी जो है भर्तियां निकालता रहता है। और नीचे यहाँ पर लिखा है कि जिन भर्ती परीक्षाओं के लिए लाखों विद्यार्थियों ने आवेदन किए हैं उनकी तिथियां तय नहीं हो पा रही हैं। आयोग इन दिनों विभिन्न प्रकार की विशेषज्ञता वाले चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 के पदों पर सीधी भर्ती के लिए इंटरव्यू करा रहा है और इस भर्ती के तहत जब तक जिन विधाओं के परिणाम घोषित किए गए हैं उनमें अभ्यर्थी न मिलने के कारण 70-80% पद खाली रह गए हैं। जिन भर्ती परीक्षाओं के लिए लाखों अभ्यर्थियों की लाइन लगी है और उनके आयोजन को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी पड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद इस समाचार पत्र का, अमर उजाला का, जिसने ये सूचना दी है, इस तरीके की जिसने रिपोर्टिंग की है। रिपोर्टिंग इस तरीके से ही करना चाहिए। लिखा है कि पीसीएस का आयोजन 17 मार्च को प्रस्तावित था लेकिन यह स्थगित कर दी गई, इसे जुलाई में बताया गया था लेकिन अब तक पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की नई तिथि घोषित नहीं की गई। इसी तरीके से 22 मार्च को प्रस्तावित स्टाफ नर्स प्रारंभिक परीक्षा, 7 अप्रैल को प्रस्तावित सहायक नगर नियोजक प्रारंभिक परीक्षा और 9 अप्रैल से प्रस्तावित ईपीएस और स्टाफ नर्स एलोपैथिक मुख्य परीक्षा भी स्थगित कर दी गई थी। इनकी नई तिथियां अब तक घोषित नहीं की गई हैं। मई बीतने वाली है और जून में पहले से 2 परीक्षाएं संभावित थी, उनका भी टलना था। 9 जून को स्टाफ नर्स यूनानी आयुर्वेदिक की मुख्य परीक्षा और 19 जून को सहायक नगर नियोजन की मुख्य परीक्षा, पीसीएस की भी मुख्य परीक्षा टल जाएगी। अगली जो सूचना है वो बिहार की है। लिखा विधानसभा चुनाव के पहले 10 लाख नौकरी देंगे सम्राट, ये उप मुख्यमंत्री हैं नीतीश सरकार में बीजेपी के। लिखा केंद्र में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही डबल इंजन की सरकार विकास का काम कर रही है। विधानसभा चुनाव के पहले 10 लाख युवाओं को नौकरी देने, अच्छा ये बताइए कि बिहार में जो सरकारें हैं सभी सरकारें नौकरियों को मुद्दा रखती हैं, पक्ष या विपक्ष जो भी आती है सब नौकरी का मुद्दा। नीतीश कुमार जी भी नौकरी के लिए बोलते हैं, बीजेपी के नेता भी नौकरी के लिए बोलते हैं, विपक्ष का तो मुख्य मुद्दा है ही है राष्ट्रीय जनता दल का तेजस्वी यादव का, उत्तर प्रदेश में ये मुद्दा क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश में सीएम योगी क्यों नहीं बोलते हैं? वो केवल शरिया कानून और पीओकी की बात करते हैं और इसी तरीके से प्रधानमंत्री भी प्रयागराज आए और यहाँ से निकल गए, कोई बात नहीं की। उसका रीजन है, रीजन ये है कि जो बिहार में जो विद्यार्थी हैं उनकी एकजुटता है और विद्यार्थी रोजगार के मुद्दे को प्रमुखता से रखते हैं, चाहे भर्तियों के लिए आंदोलन वाली बात हो, एकजुटता कोई भी बात हो, तो वहां पर सरकारें विद्यार्थियों के दबाव में आ जाती हैं और उत्तर प्रदेश के छात्रों में एकता नहीं है, उत्तर प्रदेश के छात्र उस तरीके से अपनी बात रख नहीं पाते हैं, इसीलिए कोई भी सरकारें यूपी के छात्रों को लोड नहीं देती हैं, सरकारें नहीं कोई भी पार्टियां, खैर लेकिन विपक्ष जो केंद्रीय पार्टी है वो तो मुद्दा रख रही। यहाँ पर देख सकते हैं अब भर्तियों की बात है तो सभी की बात रखनी होगी, जिसने जिसने भी नौकरी के लिए कहा है, चाहे सम्राट कहें या राहुल गांधी। यहाँ पर सरकार बनी तो 30 लाख खाली पदों की तुरंत बहाली होगी और ये आज ही के समाचार पत्र जिसमें राहुल गांधी का ये बयान छपा हुआ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कल सीधी भर्ती रेडियोलॉजिस्ट का परिणाम घोषित किया है और इसमें सभी पद खाली रह गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के तहत चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 की भर्ती में अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं और आयोग द्वारा सोमवार को रेडियोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन के 120 पदों पर चयन परिणाम घोषित किया। 70 पद थे और लिखा है कि सारे जो पद हैं वो रिक्त रह गए। नहीं, ये ना समझिएगा कि इंटरव्यू में कोई पहुंचा था, कोई भी विद्यार्थी इंटरव्यू में ही नहीं पहुंचा। ये देखिए लिखा है कि इसमें 70 पदों पर भर्ती के लिए कोई भी अभ्यर्थी इंटरव्यू में ही नहीं पहुंचा, ऐसे में सभी के सभी पद खाली रह गए। अगली सूचना है कि एसएससी के नए जो चेयरमैन है वो लिखा राकेश रंजन जी को बनाया गया है। यहाँ पर ये कल की डेट भी पड़ी हुई है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और कई आईएएस अधिकारियों का कल तबादला हुआ है। अंक पत्र आना शुरू जून में मिलने के आसार, यूपी बोर्ड की मार्कशीट जो है, अंक पत्र वगैरह, ये आप लोगों को जून के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकते हैं।
यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 31 मई है। बीपीएससी में जिन छात्राओं के 90% से कम नंबर हैं सीटेट में, उनको तो बाहर किया ही जा रहा है, लेकिन एक नया मामला यहां पर आया है। लिखा है, अगर सिर्फ डिप्लोमा या बैचलर डिग्री पर बने हैं कंप्यूटर शिक्षक तो जाएगी नौकरी। असल में थोड़ा सा जल्दबाजी भी बीपीएससी में, जो शिक्षक भर्ती कम्प्लीट की गई वो बहुत ज़्यादा जल्दी में कम्प्लीट की गई, और उसमें बहुत सारी अनियमितता, बहुत सारी शिकायतें विद्यार्थियों की आती रहती हैं, बहुत सारे मामले निकल करके आ रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीपीएससी द्वारा लिए गए शिक्षक बहाली में लगातार नए नए फर्जी वाले सामने आ रहे हैं। अब अभी दूसरे राज्यों के शिक्षकों द्वारा आरक्षण लेने का मामला शांत नहीं हुआ था कि कंप्यूटर शिक्षकों का मामला सामने आ गया। अब वैसे कंप्यूटर शिक्षक जो बिना ग्रेजुएट बीटेक आईटी के ही सिर्फ डिप्लोमा और बीसीए की डिग्री पर शिक्षक बन गए हैं, उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अगर वह जांच में पकड़े जाते हैं तो उनकी नौकरी जाएगी। दरअसल हाईकोर्ट में इसे लेकर के केस दायर किया गया हाईकोर्ट में, और उसमें बताया गया कुछ ऐसे कंप्यूटर शिक्षक बीपीएससी के दोनों चरणों में बहाल हो गए हैं जिनके पास सिर्फ डिप्लोमा और बीसीए की डिग्री है। नियम यह कि डिप्लोमा और बीसीए की डिग्री के साथ साथ में आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, वो भी 2019 के पहले। लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास प्रश्नोत्तर की डिग्री नहीं है, या डिग्री है भी तो वो बात की है 2019 की, उसी के बारे में यहां पर लिखा है। तो जांच चल रही है, ये यहां पर योग्यता के बारे में जानकारी दी गई है कि 2019 में हुई एस्टेट के पहले की पीजी की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर डिप्लोमा के साथ में। यहाँ पर यह देखिए लिखा है कि कंप्यूटर शिक्षकों के लिए बीएड अनिवार्य नहीं था, लेकिन वैसे कंप्यूटर अभ्यर्थी जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस और बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले थे, उनके लिए किसी भी विषय से स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए थी, और यह स्नातकोत्तर की डिग्री 2019 में हुई एसटीईटी परीक्षा से पहले की होनी थी। लेकिन ये मामला ये उभर के आया कि कुछ अभ्यर्थियों ने इसमें गड़बड़ी कर दी है, और उन्होंने अपने स्नातकोत्तर सर्टिफिकेट या एसटीईटी सर्टिफिकेट 2019 के बाद के लगा दिए हैं। विभाग अब इसकी जाँच में लगा हुआ है, अब ये सब बाहर होंगे। प्रयागराज में टीटी के प्रमाण पत्र मिल रहे हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट से प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी 2021 के प्रमाण पत्र सोमवार से बढ़ने शुरू हो गए। पहले दिन 90 विद्यार्थियों ने प्रमाण पत्र प्राप्त किए। भारत का ऐतिहासिक भर्ती घोटाला व्यापम, लिखा व्यापम मामले में 11 लोगों को 7 साल की सजा दी गई है, और इसमें से कुछ साल्वर थे और कुछ कैंडिडेट थे। और भोपाल की एक विशेष सीबीआई अदालत ने एक दशक पुराने व्यापम मामले में सोमवार को 11 लोगों को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने प्रत्येक पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। विशेष सीबीआई अदालत के जज नीतिराज सिंह सिसोदिया ने 6 उम्मीदवारों को जो कैंडिडेट थे और 5 सालवर मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त शिक्षा अधिनियम के संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया, और इनको कठोर कारावास की सजा हुई है। किस भर्ती के लिए हुई है इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। लिखा है, मध्य प्रदेश की पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2012 व्यापम द्वारा 30 सितंबर 2012 को आयोजित की गई थी। परीक्षा के दौरान 6 भर्ती शामिल हुए थे। अपने स्थान पर परीक्षा देने और लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को सॉल्वर तैयार किया था। आज के वीडियो में इतना ही, और आप लोगों ने जब पूरा वीडियो देख ही लिया है तो फिर लाइक तो अवश्य कर दें।